कल तक जो मिशन नामुमकिन लग रहा था उसे भारत सरकार ने मुमकिन कर दिखाया है। कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौ सैनिकों को रिहा कर दिया है। सभी वहां पर जासूसी के आरोपों का सामना कर रहे थे। उन्हें पहले वहां की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, बाद में भारत के अनुरोध पे सभी की सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन आज विदेश मंत्रालय ने सभी के भारत लौटने की बात बताई और सुबह सुबह वो तस्वीरें आ गई जिसका इंतजार हर हिंदुस्तानी को था। कतर से 8 पूर्व नौ सैनिकों में से 7 की वतन वापसी हो गई। सभी ने भारत सरकार को शुक्रिया अदा किया। दरअसल ये पूरा मामला बेहद पेचीदा था। कतर के कानून सख्त होते हैं, वहां किसी की सजा कम होना या फिर सजा से बच निकलना कतर में नामुमकिन माना जाता है। लेकिन एक बार फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में अपने नागरिकों को सकुशल वापस लाने के लिए भारत सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। सभी पूर्व नौसैनिकों को भारत सरकार की ओर से कानूनी मदद दी गई। यही नहीं, सरकार ने कूटनीतिक विकल्पों का सहारा लिया और आखिरकार सभी पूर्व नौसैनिकों की वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया। ये 7 तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में भारत से लौटे पूर्व नौसैनिकों की खुशी को आप देख सकते हैं। कतर से लौटे 7 नौ सैनिक जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं, इनसे सवाल जवाब में इन्होंने बेहद खुशी जताई, सरकार का शुक्रिया अदा किया, कहा कि अगर सरकार इंटरव्यू नहीं करती तो ये इस वक्त यहां नहीं होते और शायद फांसी की सजा में हमेशा के लिए वहीं पर ही रहते और अब ये वापस भारत लौट आए हैं, इसके लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते नजर आए। बिल्कुल ठीक कहा दीदी, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बता रही हैं। जब ये खबर ब्रेक हुई थी, जब पहली बार ये खबर निकल कर आई थी कि 8 पूर्व नौसैनिक के अधिकारी जो हैं उनको फांसी की सजा सुनाई गई है, मैं ऐसे में अगर डिप्लोमेटिक जीत अगर हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने खासकर अगर हम विदेश मंत्रालय की इसमें सराहना करें तो जबरदस्त उनका डिप्लोमेसी रही है, जिसके कारण ऐसा देश जहां की जैसे कि आपने मेंशन किया कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून होते हैं, ऐसे में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। देखिए, कल तक जो मिशन नामुमकिन लग रहा था उसे भारत सरकार ने मुमकिन करके दिखाया है। कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा करा लिया। सभी वहां पर जासूसी के आरोपों का सामना लगातार कर रहे थे। उन्हें पहले वहां की अदालत ने मौत की सजा सुनाई, बाद में जैसे कि हमने आपको बताया भारत के अनुरोध पर सभी की सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया गया, यानी आधी जीत लगभग हमारी हो गई थी। लेकिन आज जो है विदेश मंत्रालय ने सभी के भारत लौटने की बात कह दी और इससे बड़ा शुभ समाचार कोई हो नहीं सकता। सुबह सुबह वो तस्वीरें निकल कर आ गईं जिनका इंतजार लंबे वक्त से हिंदुस्तानी कर रहे थे। कतर से 8 पूर्व नौसैनिकों में से 7 की वतन वापसी हो चुकी है। सभी ने भारत सरकार का बाकायदा शुक्रिया अदा किया है। दरअसल ये जो पूरा मामला है बहुत पेचीदा था। कतर के कानून जैसा कि आपको बताया बहुत सख्त होते हैं, वहां किसी की सजा कम होने या फिर सजा से बच पाना बहुत मुश्किल होता है, एक तरीके से कहें तो नामुमकिन हम इसे कह सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से अपने चिरपरिचित अंदाज में अपने नागरिकों को सकुशल वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी और सभी पूर्व नौसैनिकों को भारत सरकार की ओर से कानूनी मदद दी गई। यही नहीं, आपको बता दें सरकार ने कूटनीतिक विकल्पों का भी तमाम सहारा लिया और आखिरकार सभी पूर्व नौसैनिकों की वतन वापसी हो गई, आखिरकार साफ हो गया। ये आपको तमाम तस्वीरें दिखाई और ये समझाने की आपको तमाम कोशिशें की गई कि ये वतन वापसी हिंदुस्तान के लिहाज से कूटनीतिक का जीत के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ी जीत इसे हम कह सकते हैं। सुबह सुबह विदेश मंत्रालय ने इस बारे में पूरी जानकारी दी जिसमें कतर सरकार को बाकायदा शुक्रिया किया गया। अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा यह हम आपको बताते हैं। भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उन 8 में से 7 भारत लौट आए हैं, वतन वापसी उनकी हो गई है। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं, ये उन्होंने मेंशन किया। आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। अगर
इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक यू. सेम थिंग, वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके. थैंक यू सो मच. ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार. लेट्स हैव थ्री चीयर्स फॉर इंडिया. हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय.